हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसबी कुकिंग शो। आज हम ग्रेवी वाले मंचूरियन बनाएंगे। उसके लिए हमने पत्ता गोभी चॉप कर ली है, गाजर चॉप कर ली है, शिमला मिर्च चॉप कर ली है। अगर आप और भी सब्जियां खाते हो तो आप बीन वगैरह सब कुछ चॉप करके डाल सकते हो। फ्रेंड्स, हम तीनों चीज़ें ले ली हैं। अभी हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे और एक चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अभी हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मसाला, लहसुन अदरक की पेस्ट भी डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे नमक वगैरह जो भी मसाले डाले हैं और लहसुन अदरक ये अच्छे से कोट हो जाए, मिक्स हो जाए। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम चार चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, देख के डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जो मंचूरियन है अंदर से कच्चे कच्चे रह जाते हैं। ये बस उतना ही डालना है कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए हमारे। और चार ही चम्मच हम मैदा डाल लेंगे। वैसे तो आप इससे भी मिक्स कर सकते हो, आपने घर पे बनाने खाने हैं तो आपने हाथ साफ हैं, हाथ से भी अच्छे से ऐसे मिक्स कर सकते हो। कम लग रहा है, नहीं तो ये बाइंड नहीं होंगे। तो थोड़ा सा मैं एक चम्मच मैदा और कॉर्नफ्लावर और डाल लूँगी। फ्रेंड्स, ये हमने मंचूरियन बॉल बना लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ये मैंने ऑयल चढ़ा दिया है रिफाइंड। अभी मीडियम पे ही रखना है हमने गैस पे, तेज़ नहीं करना। और हम एक ये हमारे मंचूरियन बन के तैयार हो गए हैं। अभी हम इनकी ग्रेवी बनाएंगे। उसे रखी है 2 टेबलस्पून, रिफाइंड डाल दूंगी। प्याज कट करके डाल लिया है, ये मैंने चॉप करी हुई बारीक बारीक गाजर डाल दी है। उसको अच्छे से हम भूनेंगे। जितनी भी सब्जियां आपने डालनी है इस टाइम डाल सकते हो, इस बहाने से बच्चे भी सब्जियां खा लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मंचूरियन में डलती है वही सब्जी डालनी है, आप बीन डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो। अभी ये देखो, मैंने गाजर थोड़ी सी इनको भून लिया गाजर को। ये अभी पत्ता गोभी भी डाल दूँगी। अभी सब्जी का हल्का सा कच्चापन दूर करना है, ज़्यादा नहीं गालना है इसको। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारा सब्जियां हमने भून ली। मैंने एक ग्रीन चिल्ली भी कट करके डाल ली थी और ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि हमने चिल्ली सॉस वगैरह भी डालनी है, तो ये कच्चापन निकल गया है। अभी हम एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे, जो घर पे स्पून यूज़ करते हैं वही, ज़्यादा नहीं डालेंगे। एक चम्मच विनेगर डालेंगे, एक या दो चम्मच हम टमाटो केचप डाल लेंगे। और अभी हम मसाले ऐड करेंगे, ड्राई मसाले। इसमें हमने गरम मसाला और जीरा पाउडर डालेंगे। गरम मसाला, ये जीरा पाउडर डाल दिया। और कलर के लिए हमने ये देखिए मिर्च डालनी है। अभी हम इसको अच्छे से, मुझे लग रहा है थोड़ी सी सॉस कम पड़ी है, अभी डाल लूँगी। अभी स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालूँगी क्योंकि मंचूरियन में भी नमक है, तो जितना हमें मसाले में चाहिए इसमें ग्रेवी में उतना ही डालेंगे। थोड़ा सा पानी लगाऊँगी इसमें, ज़्यादा नहीं, कि उतना ही पानी लगाना जितने से हमारी जो मंचूरियन है वो अच्छे से कोटिंग हो जाए। अभी मैं इसके लिए थोड़ी सी, इसको ये पतला है तो मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लावर का
डाल देना है ग्रेवी में। अब इसको अच्छे से एक उबाला आने देते हैं ताजो जो कॉर्न फ्लावर है वो अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी मंचूरियन की ग्रेवी बनी है, ये देखिए। अभी हम इसमें मंचूरियन ऐड कर देंगे। ये देखिए ना, बने हैं ना मार्केट जैसे मंचूरियन, खाने में भी बहुत डिलीशियस है, देखने में भी। आप इस तरह पे घर पे मंचूरियन बनाएं, अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड करें। ये देखिए बनके तैयार हो गए हैं, अभी हम सर्व करेंगे इसको। तो फ्रेंड्स देखिए एक तरह से अभी हम सर्व करेंगे, बहुत ही डिलीशियस बने हैं ये देखिए। फ्रेंड्स आप इस तरह से वेज मंचूरियन बनाएं ग्रेवी वाले, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। और आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स थैंक यू।